चीज आप कौन कौन बता सकता है? बी बैट की सप्लाई कौन कौन चेक कर सकता है? बीपीएच मैं आगे बोलूं, डीसी टू डीसी आईसी कौन कौन ढूंढ के बता सकता है बिना डायग्राम के? वेरी गुड, बिना डायग्राम के सर। जी सर। और अगर मैं बात करूं, मैं तुमको बोलूं कि डायग्राम नहीं है तो मुझे फोन ना प्रैक्टिकल बताओ कि सेकेंडरी लाइन ओके है कि नहीं है, कौन कौन बता सकता है? बता सकते हैं सर। एक हिंट से बता सकते हैं? जी सर। अभी तो और सीखना है सर। जी सर। तो अगर हम बात करें तो हमने हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो आप क्या कीजिएगा, ओम्स मोड में रखिएगा। कौन से मोड में बोलो? बैटरी को ओम्स मोड में चेक करना है। मैं वोल्टेज चेक करूं तो इसका मतलब है कि बैटरी का वो सिरा कट गया है, मतलब बैटरी को चेंज करना है। yes, तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर देखो कोई वैल्यू आ गई। देखो तुम्हारी तरफ से मेरा नाम विकास यादव है, मैं झारखंड से हूँ। ठीक है जी सर। आज सर ने मैंने क्रॉस कराए डिस्प्ले बैटरी कनेक्टर का, उसका हम प्लेसमेंट किए जो कि एक सेट था, मैं मेरा गांव से लाए थे रेडमी वाई टू जी, जिसको मैं बनाने से मैं टेम्परेचर इरर था जी, जो कि सर के चूरी से आज मैं बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसका डायग्राम बनाया सर, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसी अनुसार से मैं बनाऊँगा। तो डायग्राम है यहाँ पे सर, वीवेट लाइन और वीवेट आईडी लाइन, वेट आईडी लाइन जो कि वेट आईडी लाइन यहाँ पे डायरेक्ट पावर एसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है ट्यूबलेस डायोड और रेजिस्टेंस शो के हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उससे होकर डायरेक्ट पावर एसी 86 नंबर पिन में जाता है। उसके बाद फिर वीएट थर्म लाइन है जो टीवीएस डायोड लगा हुआ है, उससे होके फिर पावर एसी में जा रहा है। कौन सी है? सेकंड पावर एसी है जी सर, सेकंड पावर एसी जो 87 नंबर पिन में आ रहा है, इसमें फिर हाई वैल्यू करके वैल्यू आ रहा है क्योंकि 68 के रेजिस्टेंस से होके जा रहा है, क्योंकि भाई थर्म मतलब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा उससे होके पावर एसी में जा रहा है। ठीक है चलिए अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी फिर मैंने उस सेट को बनाने वाले हैं सर। हाँ ठीक है बनाइए। Yeah.
चार्जर लगा के बताओ, कोई किसी प्रकार का कोई चार्जिंग एरर आ रहा है अभी? नहीं सर, चार्जिंग का सब कुछ आ रहा है। थोड़ा क्लियर करो, इधर सामने लाके दिखाओ, इधर सामने लाके दिखाओ, आइए थोड़ा देख सकते हैं चार्जिंग का एरर पूरा का पूरा क्लीन है। एक बार क्लिपिंग कर दो भाई इनके लिए। तो ये है एशिया टेलीकॉम का नॉलेज, और ये है 4 दिन का 5 दिन का आउटपुट एशिया टेलीकॉम का। तो विकास कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। यस सर। तो ये बताइए आज क्या क्लास थी हमारी? आज बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर आइडेंटिफाई की, बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर की, बैटरी कनेक्टर। तो क्या हम मॉडल वाइज पढ़ते हैं? नहीं सर। एमआई का मोबाइल पढ़ते हैं? नहीं सर। क्या रियलमी का मोबाइल पढ़ते हैं? नहीं सर। सैमसंग का पढ़ते हैं? नहीं सर। वीवो का पढ़ते हैं? नहीं सर। सैमसंग का फलाना डिम का मॉडल पढ़ते हैं क्या? नहीं सर। वीवो का कोई स्पेशल मॉडल पढ़ते हैं? नहीं सर। हम यूनिवर्सल पढ़ते हैं? यूनिवर्सल। हम सीपीयू पे पढ़ते हैं? यस सर। सीपीयू पे पढ़ते हैं? यस सर। तो जो आपकी आज की क्लास किनके साथ थी आपकी? क्या क्लास थी आपकी? बैटरी टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, बैटरी है ना वी बैट की थी थर्म के साथ बैटरी आईडी की क्लास थी। तो अच्छा ये बताइए मुझे कि एंडलेस जानकारी किस किस को है अभी? सबको है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मोबाइल की पेड लाइन को उठा के आईसी का पेड चेक करके वापस लगा दो, तो कौन कौन लगा सकता है? लगा सकते हैं? ऐसा नॉलेज मिला है आपको? तो ये बताइए मेरे को कि मैं शुरुआत करूंगा राहुल से। तो राहुल, जो आज हमारी क्लास थी वो क्या क्लास थी, कैसी क्लास थी और कैसी रही, आप थोड़ा जानकारी बताएंगे? सर आज हमारी बैटरी कनेक्टर और वी बैट की क्लास थी जी, जिसमें कि उसके आईसी के पैड के नीचे तक की जो ट्रैकिंग होती है वी बैट की, वो हमें जानकारी मिली है सर। और हमें सर सीपीयू वाइज पढ़ाया जाता है, मॉडल वाइज नहीं पढ़ाया जाता। अगर सर्किट वन आए, सर्किट टू आए, कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार की? कोई भी सर्किट हो सर, कोई सा भी सर्किट हो सब कर लेंगे, सब कर लेंगे जी सर। मैं बात करूं मीडियाटेक की, बात करूं कॉलकॉम की, कॉलकॉम में एसएम की, कॉलकॉम में एमएसएम की, कॉलकॉम में मैं अगर एसडीएम सीपीयू की बात करूं तो बना लेंगे आप जी सर? सीपीयू वाइज ही पढ़ाया गया सर, सीपीयू वाइज पढ़ाया गया। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। यस सर जी, नाम बताइए अपना। विराट हूं सर, बिहार से। विराट, बिहार से। तो विराट क्या क्लास थी आज हमारी? आज हमारा क्लास था बैटरी कनेक्टर की, बैटरी कनेक्टर की हमारी क्लास थी। तो किनके साथ थी क्लास आपकी? देव सर के साथ सर। देव सर के साथ। कैसा नॉलेज मिला आपको? बहुत ही बेटर सर। अगर यही क्लास अगर किसी अन्य टीचर के साथ होती या बाहर के इंस्टीट्यूट में पढ़ते तो ये नॉलेज आपको एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है सर। मिल पाता था क्या आपको? नहीं सर। नहीं मिल पाता था? नहीं सर। अच्छा, तो आपको किस प्रकार का मतलब पेड टू पेड लाइन, पेड लाइन की बात करूं मैं, आईसी के नीचे अगर तुम्हारा अगर पेड उखड़ भी जाता है, निकल जाता है या अदर टेक्नीशियन से आता है, तो बीच में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और आईसी की ट्रैक कहां से कैसी बनानी है, आपको कहां से जंपर उठाना है, तो वो कर सकते कि नहीं? यस सर, इसके बारे में पूरी नॉलेज दी गई है सर। पूरी नॉलेज है जी सर, पूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज। तो क्या ये खाली काम एक लड़का राहुल कर सकता है क्या? सब कर सकते हैं। तो अब ये बताओ मेरे को कि अगर तुम्हारे पास कोई सेट आता है, यस सर, अगर टेम्परेचर से रिलेटेड आता है या बैटरी से रिलेटेड आता है, यस सर, है ना, बैटरी डायरेक्ट लगाती है, फुल बताती है, 50% बताती है, बैटरी लो बताती है, बैटरी का सिंबल आता है, टेम्परेचर टू लो आता है, टेम्परेचर टू हाई आता है, तो आप उसको कर सकते हो? बिल्कुल सर, बहुत ही सरल तरीके से एकदम। कौन कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। तो ये नॉलेज मिला है आपको। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा सा। मेरा नाम राजू मौर्या, मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ। राजू जी सर, क्या क्लास आज मेरा 5वां दिन है यहाँ का जी, जिसमें देव सर के द्वारा आज बीबैट की पूरी पूरी जानकारी दी गई है जी, जिसमें बैटरी आईडी थर्मल और आपकी बीबैट तीन सप्लाई आती है, कहाँ से कहाँ जाती है, अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो जिससे नीचे पैर में कुछ हो गया तो खोपड़ी तक पूरी इंडलेस तक पूरी जानकारी दी गई है, या तो कोई भी समस्या तो खोपड़ी खोल के हम लोग बना सकते हैं, बना सकते पूरी तरीके से बना सकते हैं। आप सहमत हो उनसे? यस सर। और इसमें सर हम लोगों ने जो 6 घंटे वहां पर क्लास की, एकदम सरल भाषा में सब कुछ समझ गए जी। बैटरी से रिलेटेड, बैटरी टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, बैटरी सिंबल बन के आता है, फेक चार्जिंग दिखाता है, ऐसी कोई समस्या बैटरी से आता है जी,
तो ए टू जेड 5 से 10 मिनट के अंदर बना के दे देंगे सर। बना के दे देंगे जी सर। आपके पास जीआर भी है? जी जीआर भी मिल जाएगा। आपके पास वोल्टेज भी है? जी सर। आपको जीआर कितना मिलना है, कितना वोल्टेज मिलना है, कब मिलना है, किस कंडीशन में मिलना है, सारा आइडिया आपको? जी सर बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया सर। जैसे दाल चावल हम लोग खाते हैं ऐसे अब हम लोग खा लेंगे आराम से। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आगे आइए रंजीत। मैं अरविंद सिंह सर, वेस्ट बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज सर देव सर ने इतने मैंने इजीली तरीके से मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैंने इतने इजी तरीके से बताया कि सर मैंने क्या बोलूँ, बोर्ड बोर्ड देख के अभी टेंशन नहीं होता सर। बोर्ड देख बोर्ड बहुत इजी चीज लगता है। जैसे सर क्या बोलते हैं, सबको 2-3 पिन के बारे में नॉलेज है। यहाँ सर 8 पिन 10 पिन तक आते हैं, वहाँ आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा पिन अपने काम का है कौन सा नहीं है। तो देव सर ने इतने इजी तरीके से बताया सर कि मतलब अभी लगता है कि सब फोन बैटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपन डन कर लेंगे सर। तो आज का सेक्शन डन है कि नहीं डन? कल का सेक्शन डन था कि नहीं था? ये लाइव कब आते हैं जब हमारा सब कुछ बहुत बेटर लग रहा है सर। और एशिया टेलीकॉम का सबसे बड़ा हमें एडवांटेज मिल रहा है कि थ्योरी के बाद जस्ट बाद ही प्रैक्टिकल का होता है। इससे क्या होता है हमारे मन में जो भी डाउट्स रहते हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल। अभी मैं बैटरी सेक्शन की बात करूं, बैटरी सेक्शन के चारों आपके जो पॉइंट होते हैं, जो आपके होते हैं, तो उसके बारे में बात करूं तो एक एक का डाउट क्लियर है एकदम सर। ग्राउंड कैसा बना है, वीबेट कैसा बना है, हाँ सारा डाउट क्लियर है आपके? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम अर्षदीप सिंह है, मैं जम्मू से हूँ। जी अर्षदीप बताइए, जो आज की क्लास थी बस हमें ये लग रहा था कि पहले की बैटरी है, पहले वाले सोचते थे बैटरी है खाली है, क्या होगा इसमें, बस हमें उसको इग्नोर कर देते थे। पर उसके साथ ही इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे सीपीयू तक, पावर आईसी तक, नॉर्मल पावर आईसी तक, उसकी सारी लाइनें जाती हैं। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं कि जो हमें कभी पहले पता भी नहीं थी, और सर ने इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया, इतने अच्छे तरीके से समझ आई हमें, और हमने खुद भी किया, आईसी उठा के भी देखे, पैड लाइन चेक भी की हमने, सब कुछ किया, वी बैटरी के साथ सब कुछ देखा सर। सर बताते हैं आपको समझ में आ गया, सब आ गया, ये बात मैं मानता हूँ, अग्री करता हूँ। जी सर, क्या वो काम तुमने करा कि नहीं करा? नहीं, मैंने खुद अपने हाथ से करा। खुद तुमने अपने हाथ से करा? यहाँ पे हर एक स्टूडेंट जो भी है यहाँ पे सबने करा, सबने करा, सबने करा, जितने भी स्टूडेंट है सबने करा। तभी हमें छुट्टी मिलेगी, जब तक कोई रह जाएगा टेंशन में या कुछ भी होगा तब तक वो करता ही रहेगा, सिखाते रहेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम अमित है, छत्तीसगढ़ से। हाँ, आज हमारी क्लास थी बैटरी कनेक्टर की देव सर के साथ। जी। 6 घंटे की प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास थी उनके साथ हमारी। उन्होंने थ्योरी क्लास 6 घंटे पूरे A to Z बैटरी लाइन, जितने भी प्रॉब्लम आती बैटरी से रिलेटिव टोटल हमारा एक्सप्लेन किया, विद प्रैक्टिकल के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने 6 घंटे के बाद तुरंत हमने प्रैक्टिकल चालू किया, अपने अपने मोबाइलों में पूरा चेक किया, जो हमने खुद लाई है यहाँ से, हमको जो मिली है सब में चेक किया। तो जो आपने सर ने पढ़ाया आगे चेक किया तो आपको रिजल्ट मिला कि नहीं? 100% रिजल्ट मिला सर। जो जैसा थ्योरी पढ़ाया वैसा सेम टू सेम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करके देखा, बैटरी लाइन से पूरे आईसी पैड तक जहाँ तक उसका कनेक्शन जाता है, डायग्राम बनाया, प्रैक्टिकल भी किया, आईसी पीएम आईसी उठा के पूरा पैड लाइन पूरा मिलाया, उसका डायग्राम बनाया, उसकी लाइनें पूरी ट्रेस की, कंपोनेंट डायोड सब ट्रेस किया। इसका मतलब आपको एंडलेस सॉल्यूशन मिला, एंडलेस थ्योरिकल मिला प्लस प्रैक्टिकल मिला। तो आज की क्लास से कितने संतुष्ट हैं? 100% 100% थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आइए। मेरा नाम चाहत है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी बताइए, आज हमारे क्लास बैटरी उसकी थी, बैटरी कनेक्टर की थी, और सर ने ये बताया कि आज बैटरी रिलेटेड जितने भी इशू आते हैं, अगर फ़ोन बंद हो जाता है, फेक चार्जिंग दिखाती है, बैटरी फूल जाती है किसी वजह से, या फ़ोन चार्जिंग इशू दिखाता है कि फ़ोन इज टू हॉट टू यूज़ दिखाता है, जो उसके बारे में हर एक चीज़ बताई कि क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब आपको टेम्परेचर का फॉल्ट भी बताया, बैटरी से रिलेटेड जो जो भी एरर आते हैं सर वो भी बताया आपको, बैटरी टू लो दिखाता है, फेस चार्जिंग दिखाता है, मेन प्रॉब्लम लोगों को आती है फेक चार्जिंग और बैटरी टू लो वाली, सर ने वो सब कुछ डिटेल में बताया कि कहाँ से प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है। बराबर, हमारे बिना पूछे सर ने बता दिया कि प्रॉब्लम ऐसे आती है, हमारे मन में डाउट ही नहीं आया सर पहले। अच्छा,
यस सर। तो आज लाइनो की आईसीयू की आज की आपकी पहली क्लास थी, तो yes, आपको कैसा लग रहा है लाइनो में? और जो सर ने पढ़ाया 6 घंटे, तो क्या 6 घंटे का समय प्रैक्टिकल का मिला? यस सर मिला सर, 6 घंटे का प्रैक्टिकल सर पूरा मिला है आपको? यस सर। आपने आईसीयू की पेटेंट बने आईसीयू डाली? यस सर, उठाई और एक एक लाइन बनाई सर हमने, कहाँ से किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आईसी का चार्ज आता है बराबर, और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक करंट आता है और जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं सर्वेश कुमार बिहार से सर। हाँ जी। आज हमारी सुबह में देव सर के साथ क्लास हुई बैटरी कनेक्टर जी। बैटरी कनेक्टर से के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सारे उन्होंने एक्सप्लेन किए हम लोगों के साथ। बैटरी आईडी लाइन से कौन सा चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा, थर्मल लाइन से कौन सा प्रॉब्लम आएगा, वीवेट सारी जानकारियां सर ने हम लोगों को दिया। और मन में शक था कि इस क्वेश्चन मेरे मन में पहले से भी था कि बैटरी एरर, बैटरी हाई लोड टेम्परेचर मन में था, लेकिन कहने से पहले सर ने हम लोग को बता दिया। मन की बातों को वह पढ़ लेते हैं सेक्शन बाई सेक्शन कि किस स्टूडेंट को कौन सी परेशानियाँ हो सकती है। तो सारे बहुत अच्छा लगा सर देव सर के साथ क्लास करके। वो बाद में आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में सर वहाँ जो सर ने जो बताए वहाँ पे किस आईसी से किस कौन सी प्रॉब्लम आता है सारे मैंने यहाँ पे आके आईसी का पेड तक को चेक किया। लास्ट एंड आईसी उठा के पेड लाइन तक चेक किया, उसका डायग्राम भी बनाया जी, उसका डायग्राम भी बनाया सर, कोई तरह की परेशानियाँ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम अरमान है और महाराष्ट्र थाने से हूं जी। आज देव सर के साथ जो प्रैक्टिकल की थ्योरी की क्लास थी बैटरी का, यानी बैटरी में वी बैट लाइन, आईडी लाइन, जीएनडी लाइन, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि जीएनडी की भी कोई लाइन होती है। हमको तो यहाँ तक मालूम था जीएनडी का ग्राउंड किया हुआ होता है। यस सर, उसका भी एक सर्किट, लेकिन उसकी भी सर्किट जो आईसी से जुड़ी होती है सर ने उसके बारे में एकदम एंडलेस सॉल्यूशन दिया, जो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक एक चीज़ को सर ने डिफाइन किया और अच्छे से बताया, क्योंकि हमको उस चीज़ के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सर ने हमारे मन की बातों को पढ़ते हुए जो चीज़ ना पूछना था उसने भी बताया। मतलब बोलने का मौका नहीं देते सर, इतने इस लेवल से जानकारी दे देते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि सर के साथ आपकी क्लास हुई तो आपने प्रैक्टिकल क्लास में आईसी उठा के पेड लाइन चेक करके डायग्राम बनाए कि नहीं? सर जो वहाँ थ्योरी पढ़े सर, यहाँ आके जो लैब क्लास है वहाँ आके एक एक चीज़ का ट्रेसिंग करके प्रैक्टिकल किया, और यहाँ तक कि आईसी उठा के उसके अंदर तक ट्रेस किए, जा उस किस बॉल पर जा रहा वहाँ तक ट्रेस किए। तो अरमान ये बताओ मेरे को कि अगर आपके पास अगर अब आईडी और थर्मल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन है कि नहीं? सर कोई सा भी प्रॉब्लम आएगा ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हाईएस्ट है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम सलीम है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ सर जी। आज सर हमारी क्लास देव सर के साथ बैटरी कनेक्टर रिलेटेड था जी। और सर ने बहुत ही अच्छे थ्योरिकल तरीके से हमें पढ़ाया है बैटरी कनेक्टर पे क्या जीआर आना चाहिए, कौन से लाइन में क्या वोल्टेज आना चाहिए और लाइन कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, एंडलेस बताया सर हमको। एंडलेस बताया जी सर। आज जो आपके पास नॉलेज है वो एंडलेस नॉलेज है जी सर। तो ये बताइए मेरे को, आपने प्रैक्टिकल क्लास में पूरा प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? जी सर पूरा। किस लेवल से करा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? डीपली लेवल से सर, आईसी तक की बॉल उठा करके, आईसी उठा तक करके और बॉल तक के पैड लाइन चेक किया सर। डायग्राम भी बनाया? जी सर। डायग्राम भी बनाया जी सर। तो अभी इससे रिलेटेड जो फॉल्ट आता है अगर तुम्हारे पास आएगा तो बना पाने की कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, 100% बनेगा सर। ट्रेसिंग करने में कोई दिक्कत होगी? कोई नहीं दिक्कत सर। कोई भी दिक्कत नहीं सर। मेरा नाम नौशाद है, मैं यूपी से हूँ। आज देव सर के साथ क्लास थी मेरी बी बैटरी की, क्योंकि बैटरी की सप्लाई कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर टू हाई लो या फेक चार्जिंग होना या बैटरी लगा के फेक परसेंटेज बताना बैटरी में, बैटरी या बैटरी का लोगो नहीं आ जाना। हाँ, और ये बताए कि बैटरी कब ऐसा होता, कभी कभी फ़ोन चार्जिंग में लगा के ही ऑन होता है, ये सारी जानकारी दी सर ने। उसके बाद वही आके हम लैब में किए पूरा प्रैक्टिकल, आईसी उठाए थे पावर, उसको पैड लाइन चेक किए, उसको बनाए भी पूरा ट्रेस करे, उसको फिर से लगाए और फ़ोन ऑन भी हो गया मेरा, उसका वही जीआर वही वोल्टेज आ गया आपको? यस सर। बैटरी कनेक्टर का डिटेल जानकारी आज मिली हमको देव सर के साथ, जिसमें कितनी लाइन होती है, वो कहाँ तक जाती है,
जैसे बी वेट हुआ, बी एस आई हुआ, बी टेम्परेचर, ये सब डिटेल में एक कंपोनेंट से लेके आईसी की पेट तक। तो चंदन ये बताओ मेरे को कि अगर अब अगर इससे रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट आता है या मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो कितनी देर लगेगी आपको डायग्नोज करने में, सोल्व करने में और समझने में? ज्यादा देर नहीं लगी सर, 5 मिनट में हो जाएगा डायग्नोस। 5 मिनट में हो जाएगा? बिल्कुल। आपको हर सीपीयू का मालूम है कि किसकी लाइन आईसी की लाइन कहाँ जाती है, थर्मल की लाइन कहाँ जाती है, किससे जुड़ी होती है? जी सर। कब सीपीयू में जाती है, कब पावर में जाती है, कब सेकंड पावर में जाती है, आपको पूर्ण रूप से जानकारी? जी सर, पूरा डिटेल में जानकारी। अगर आपका 3 कनेक्टर का बैटरी कनेक्टर है तो आपका आपका बिहेवियर आईडी और थर्मल का कैसा होगा, और आपका अगर 4 कनेक्टर का है तो आईडी थर्मल की आपका बिहेवियर कैसा होगा, अगर दो पिन का भी आपका कनेक्टर है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, सर्किट का भी आपको? जी सर, पूरा डिटेल में बताया गया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अभी जो आपने प्रैक्टिकल क्लास करी थी, प्रैक्टिकल क्लास में आपने एंडलेस पॉइंट तक गए कि नहीं गया? जी सर, पूरा एंडलेस। जी सर, देखो बोलने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल आपने किया कि नहीं किया? किया सर, पूरा 100% सर। आपको कहां मालूम है कि जीआर आते हैं, कहां वोल्टेज आते हैं? जी सर, बिल्कुल फुल डिटेल में सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आ जाइए दोनों तीनों, आपकी फटाफट आ जाइए। तो हमारे साथ अभी और भी स्टूडेंट है, आप जुड़ते रहिए। नाम बताइए अपना, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं बिहार से हूँ। ब्रजेश, बिहार से इतनी दूर से एशिया टेलीकॉम में ट्रस्ट करके आए हो आप, तो ये बताओ ईमानदारी से कि यहाँ किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, और आज आपको जो नॉलेज मिला है, आज आपका बैटिंग करेक्टर तो नजरिया बदला कि नहीं बैटिंग करेक्टर का आपको? जरूर। आपको मालूम है कहाँ वोल्टेज आएंगे, कितने जीआर आएंगे, कैसा सर्किट आएगा? अभी मैं तुमसे बोलूं ब्रजेश की, अगर घर तुम्हारे सामने अगर 5 मोबाइल रख लूं मैं, जिसमें बीएसआई से रिलेटेड या आईडी से रिलेटेड दिक्कत है, और थर्मल की लाइन से, बीटीएम की लाइन से दिक्कत है, तो आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? जरूर सर। ट्रेसिंग आईसी की पैड लाइन तक, सीपीयू की पैड लाइन तक जा पाओगे कि नहीं? सर, उसके हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, बैटरी एरर, और उससे जो जो भी प्रॉब्लम है सारी जानकारी, उससे फोन ऑन भी होता है और अपने आप चालू भी होता है, रीस्टार्ट भी होता है, वो भी प्रॉब्लम पता है, और बैटरी लगाने पर फोन चार्ज भी ऑन भी नहीं होता है। कैसा लग रहा है आपको टीम से जुड़ के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ बाकी और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, हम नेपाल से है। मेरा नाम रंजीत है सर, मैं नेपाल से हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है, फ्रॉम नेपाल से। आपका? नंदकिशोर यादव, छत्तीसगढ़। विकास यादव, झारखंड से हूँ। विकास यादव, झारखंड से। तो आप तीनों चारों से एक ही प्रश्न है, क्या आपको जो सवेरे क्लास मिली है किनके साथ मिली है आपको? सर के साथ क्लास मिली है आपको? कितने घंटे की क्लास मिली है आपको? 6 घंटे की क्लास मिली है। 6 घंटे की क्लास के साथ आपको उतना ही प्रैक्टिकल मिला कि नहीं मिला? जी सर, जी सर। एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके? आईसी उठा के आपने पूरा लाइनें चेक करी है? जी सर। वोल्टेज कहाँ कितना मिलना चाहिए, जीआर कितना मिलना चाहिए, सारा नॉलेज है आपको सारे प्रकार के सीपीयू में? जी सर, जी सर। वो मीडियाटेक हो, वो कॉलकॉम हो, या सैमसंग का, ज़ायनॉक्स का हो, सारी जानकारी है आपके पास? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। कल आपकी जो क्लास है, कल है क्लास आपकी ऑडियो की, तो रात तक सबका ऑडियो बजना चाहिए। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?